वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे आज हम इम्पोर्टेंट एम की एक नई सीरीज करने जा रहे हैं जिसमें फिलोसफीज जो कि नेचुरलिज्म रियलिज्म प्रेगमेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म के क्वेश्चंस करेंगे देखते हैं पहला क्वेश्चन नाइनटीन सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म आपको ये सारी फिलोसफी के बारे में पता होना चाहिए मैंने इससे पहले वाली सीरीज में आपको नेचुरलिज्म आइडलिज्म रियलिज्म को एक्सप्लेन किया था अब एग्जिस्टेंशलिज्म क्या होता है अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंस मतलब ये किस पे ज्यादा फोकस एम्फेसाइज जोर देती है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे फ्रीडम पे और चॉइस पे यानी कि इंडिविजुअल ये देखते हैं कि where am I, कि हम हैं कि वेयर वेयर एम आई की हम और where you should be, और यू शुड बी हमें कहा होना चाहिए ये अस्तित्व देखने के लिए एक्सिस्टेंश फिलोसफी को लाया गया है ठीक है देखते हैं कि नाइनटीन सेंचुरी में आई थी तो इसके फाउंडर कौन थे इसके फाउंडर थे सोरेन किरके गार्ड ये क्वेश्चन हमने लास्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था उसमें प्रोपाउंडेड बाय थे ये सबसे पहले आई थी 18th नाइन एटीन सेंचुरी में जिस जो किसने किया था इसको गैब्रियल मार्शल ने 1943 में इसको लाया था फिर उसके बाद जीन पोल प्याजेट ने स्टार्ट्रे ने नाइनटीन में इसको एडोप्ट किया था और नाइनटीन सेंचुरी में सोरेन किरके में जो कि फादर ऑफ मॉडर्न एक्जिस्टेंशलिज्म माने जाते हैं इसको आगे फाउंड किया था ठीक है ऑप्शन बी है इसका आंसर नेक्स्ट है हु वाज ट्वेंटी सेंचुरी एग्जिस्टेंशलिज्म तो वो था नाइनटीन सेंचुरी और ये है ट्वेंटी सेंचुरी तो ट्वेंटी सेंचुरी में कौन थे जीन पॉल सार्ट्री तो हमने अभी बताया कि ये इन्होंने पहले गैब्रियल मार्शल की जो फिलोसफी थी उसको ही आगे प्रेजेंट किया था तो ऑप्शन सी है इसका आंसर नेक्स्ट है फॉलोविंग एक्सेप्टेड बाई मॉडर्न एजुकेशनिस्ट तो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया है मॉडर्न एजुकेशनिस्ट के द्वारा देखते हैं देर शुड बी वन सिंगल एम ऑफ एजुकेशन अनचेंजेबल ओवर टाइम एंड स्पेस नहीं जो एम ऑफ एजुकेशन है वो सिंगल नहीं होना चाहिए वो हमें हर फिलोसफी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना चाहिए तो ये गलत है देयर इज़ वन ग्रैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन नहीं वन नहीं होने चाहिए वेरियस ऑब्जेक्टिव होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं इवॉल्व होते रहते हैं नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी शुड बी द ओनली एम ऑफ एजुकेशन नहीं सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना ही एम नहीं होना चाहिए वो इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए चॉइस के लिए निच सब चीज़ों के, के लिए फोकस होना चाहिए लास्ट इसमें एजुकेशन इज बाउंड टू हैव सेवरल एम्स तो इसमें आ गया ना सेवरल एम्स सिंस इट्स कंसर्न्स आर सेवरल सच एज इंडिविजुअल सोसाइटी फैमिली एंड नेशन एंड सो ओन कि जो कि किसी भी चीज पे फोकस हो सकता है तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं वट इज डिवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन कि जो ह्यूमन अपनी स्ट्रेंथ को किस चीज में किस चीज में उसका विकास होता है सबसे ज्यादा एजुकेशन में वो पूछा गया है इंडिविजुअल एम सोशल एम इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम या फिर स्पेसिफिक एम तो इसमें ह्यूमन की पोटेंशियलिटीज पूछी गई है तो वो अपने इंडिविजुअल एम पर ही ज्यादा फोकस करता है और उसी में उसकी डेवलपमेंट मानी जाती है सोशल एम है जो उसमें और जो स्पेसिफिक एम है ये साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है ये पूरे नेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं वट इज डिवलपमेंट ऑफ सोशल सेंस एंड कॉपरेशन अमंग द इंडिविजुअल थ्रू एजुकेशन उसने बताया है कि जो हम अपने सोशल हमने इससे पहले वाली सीरीज में भी इसको डिस्कस किया था कि जो सोशल सेंसेस के थ्रू डेवलपमेंट होती है और कॉपरेशन के थ्रू होती है उसको किस में कंसिडर किया गया है सोशल एम में कंसिडर किया गया है तो ऑप्शन बी है इसका

आर एंटी इंडिविजुअल जो सोशल एम ऑफ जो सोशल एम में जो सेंसेस में बिलीव करते हैं क्या वो एंटी इंडिविजुअल नहीं होते होते हैं तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है ये क्रिटिसिजम नहीं है बाकी है दे आर अनसाइकोलॉजिकल एज दे डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द कैपेसिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ये क्रिटिसिजम है तो ये ऑप्शन में नहीं होगा दे हिंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर क्या ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं ये भी गलत है मैन इन दैम बिकम्स ओनली अ अन्स टू एन एंड तो जो इंसान है वो सिर्फ उसको यूज करते हैं मीन साधन मानते हैं किसी भी चीज के एंड के लिए नहीं तो इसका ऑप्शन ए होगा आंसर नेक्स्ट है फॉलोविंग एम ऑफ एजुकेशन तो किस पे जोर नहीं दिया गया इंडिविजुअल में वो देख लेते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम पे दिया गया है सेल्फ एक्सप्रेशन पे ये भी है डिवेपमेंट ऑफ इनर पोटेंशियलिटीज बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ को कैसे निकालना ये भी लेकिन डिवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड ट्रोलेंस एंड नॉन वायलेंस इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया ठीक है तो ऑप्शन डी है इसका आंसर नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन देखो क्वेश्चन आपको ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड करके देगा अगर एग्जाम थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आता है तो आपको सारी के सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चीजें उसके एम ऑफ एजुकेशन में आती है क्या उसके मैथर्स में आते हैं सारी की सारी चीजें आपको कंसेप्ट से पता होगी और आपको कंसेप्ट की नॉलेज होने चाहिए जो की आपको आप वीडियोज देखे उससे क्लियर हो जाएंगे तो देख लेते हैं कि भी कौन सा कौन सी स्टेटमेंट इसके एम में नहीं होती। इसमें है, द इंडिविजुअल इज स्ट्रॉन्ग इफ द इंडिविजुअल इज स्ट्रॉग बिल्कुल ये भी करेक्ट है एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक डिवलपमेंट ऑफ हिज पोटेंशियल इज एसेंशियल बिल्कुल ये भी ठीक है लास्ट इसमें सोसाइटी सुप्रीम एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर ओनली पार्ट ऑफ इट ये गलत है कि सिर्फ सोसाइटी ही सब कुछ नहीं होता हमें अपने नेशन के लिए अपने इंडिविजुअलिटीज खुद के लिए अभी हमने पढ़ा ना ऊपर की इंडिविजुअल फ्रीडम भी होती है सेल्फ एक्सप्रेशन भी होता है डेवलपमेंट ऑफ इनर पोटेंशियलिटीज भी होती है तो आप क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िए तो इसका मतलब ये गलत है तो ऑप्शन डी गलत होगा नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट व्यू अबाउट सोशल एंड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन अब देखिए पहलो में पहले इससे पहले में पूछा गया नोट अब इसमें मोस्ट करेक्ट व्यूज कौन सा है तो देख लेते हैं इंडिविजुअल एम शुड बी गिवन प्रेफरेंस टू सोशल एम ये हमने अभी पढ़ा था सोशल एम शुड बी प्रेफर टू इंडिविजुअल एम बिल्कुल ये तो वही बात है जितना हम इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देंगे उतना ही सोसाइटी में प्रेफर करेगी तो दोनों एक दूसरे से इंटर है फिर अब इंडिविजुअल एम्स आर इंप्लाइड

स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल टू द अकेडमि अबाउट ब्रेड एंड बटर एम ऑफ एजुकेशन देखो कि ब्रेड एंड बटर यह भी क्या जैसे एक सिक्के के दो पहले होते हैं जैसे ब्रेड बटर के साथ ही होता है बटर ब्रेड के साथ दोनों तो एक दूसरे के कंटेम्परे होते हैं तो इसी चीज को किसने ज्यादा एक्सेप्ट किया है देखते हैं इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एम एंड शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी बाय द एजुकेशन नहीं ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट एम नहीं है इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट अलोंग विद अदर एम ऑफ एजुकेशन बाकी है या फिर इट इज ओनली पार्टली एक्सेप्टेबल हाँ क्योंकि ये पार्टली एक्सेप्टेबल कि कोई भी दो चीजें हम एक साथ कंटेम्प्रेरी नहीं कर सकते उसको हमें क्या करना पड़े टाइम के साथ चेंज इवोल्व होना पड़ता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओनली अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये भी गलत है तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेंट टू इंटलेक्चुअल डिवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन अब इसमें फिर से देखो ट्रिकी क्वेश्चन आ गया कि डज नॉट पर्टेंट तो इसमें क्या चीज़ नहीं होगी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कि भाई हम अपनी थिंकिंग से माइंड से रीजनिंग से कैसे हम एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं उनके एम को वो क्या नहीं आता हुगी? इसमें देखते कि कौन सा नहीं है कल्टीवेशन ऑफ इंटेलिजेंस कि क्या हमें इंटेलिजेंस पे फोकस करना चाहिए बिल्कुल कि हम अब इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इंटेलिजेंस को ही बढ़ावा देना चाहिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव पावर तो इंटेलेक्चुअल में क्या आते हैं हमारी थिंकिंग एबिलिटी आती है रीजनिंग एबिलिटी आती है तो ये भी होगा ट्रेनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइंड तो भाई अपने माइंड को हम कैसे नई नई चीजों को करने के लिए तैयार रखें लेकिन स्पिरिचुअलिटी उसमें नहीं आती स्पिरिचुअलिटी आएगी आइडियलिज्म में कि हम अपने आप को कैसे किसी चीज में फेथ रखते हैं तो ऑप्शन बी गलत होगा ठीक है नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ एज एन एम ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर कि अगर हम किसी बच्चे को एजुकेशन के उद्देश्य को अचीव करने के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं सम सुटेबल वोकेशन बस किसी भी चीज़ के किसी भी वोकेशन काम के लिए सम पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी किसी कोर्स ऑफ स्टडी के लिए या फिर फेसिंग ऑल ऑफ एमरजेंसी एंड सिचुएशन ऑफ फ्यूचर लाइफ बिल्कुल तो चाहे उसकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटीज आए कोई भी स्ट्रेंथ है उसको वो हर सिचुएशन में फेस कर सके ठीक है तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव मैथड ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन इज तो करेक्टर फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं टीचिंग वर्चूज थ्रू रिलीजियस बुक वर्चुज यानी कि अपने गुणों को उसके गुणों को पढ़ाना नहीं ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलिस्ट लेक्चर ओन इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू इन लाइफ नो टीचिंग बाई हाई करेक्टर टीचर्स नो रिवॉर्डिंग वर्चुअस बिहेवियर एंड प्रेजेंटिंग हाई करेक्टर्स मॉडल इन द स्कूल बिल्कुल यानी कि स्कूल में उसके बिहेवियर को और उसके करेक्टर को कैसे एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट किया जाए तो ऑप्शन डी है इसका आंसर नेक्स्ट है हार्मोनियस डिवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एम्स ऑफ एजुकेशन

रिजिड सिस्टम ऑफ स्टेट एजुकेशन इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द स्टेट तो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है एजुकेशन का ये किसके बेसिस पे जस्टिफाई किया गया है ये बताया गया है कि जो हमारे राव, राइट है जिसमें हम बंधे हुए हैं उनको कैसे प्रिजर्व करें और उनको कैसे बढ़ावा दें तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर नेक्स्ट है सोशल एम ऑफ एजुकेशन एम्प्लाई द ट्रेनिंग ऑफ तो हमने ये सोशल एम ऑफ एजुकेशन ही पढ़े हैं तो ये किस चीज की ट्रेनिंग पे ध्यान देता है द इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग द एंड ऑफ द सोसाइटी ठीक है नेक्स्ट है कि वट डज द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्प्लाई तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि इंडिविजुअल का एम क्या होता है एजुकेशन में एजुकेशन मस्ट सिक्योर फॉर एवरी वन द कंडीशन अंडर विच द इंडिविजुअलिटी इज मोस्ट कंप्लीटली डिवलप ठीक है तो भी उसकी इंडिविजुअलिटी को कैसे सभी के लिए अचीव किया जा सके सेकंड लास्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन चाइल्ड हुड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ओन and एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रेन तो मतलब जो जो बचपन होता है ना वो अपने ही आप में मगन रहना चाहिए उसको किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उसको टाइम देना चाहिए तो ये किसने बताया है ये नेचुरलिस्ट ने बताया क्योंकि नेचर जो चीजें नेचुरल होती है नेचर से होती है वो बेस्ट होती है लास्ट होता है इसमें हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस तो किसने बताया है ये जो डेवे ने बताया है? है कि जो एजुकेशन है एक सोशल प्रोसेस है ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी कंसेप्ट से तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू